या गलती केहू से हो जाला। क्या है कि हर चीज को आदमी देख सुन नहीं पाता है और इसी बीच में कुछ कहा कि बहुत ऊंच नीच देख के सुन के रिश्तेदारी भी निभावे के पड़ेला। भाई क्या करिएगा, रिलेशन भी मेंटेन करके रखे के पड़ेला, केहू नाराज मत होके। तो शूटिंग के दरमियान हम जब अयोध्या में शूट कर रहे थे धर्मा फिल्म का, तो मेरे पास गाना आया और एक चाचा जी हैं उनका ये हुआ कि बेटा इस गाने को गा दो। मैंने बोला ठीक है चाचा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमको जब टाइम मिला, अभी मैं आराम में हूँ, तो हम ये गाना गा दिए, जो कि शायद ये गाना कोई और लड़का गा चुका है 2 महीना पहले। हालांकि ये गाना मेरे पास तो मुझे लग रहा है कि 4 महीना पहले इस गाना को हम सुने थे, लेकिन इधर बीच गाना ये रिलीज हुआ। फिर भी अगर हमसे पहले उस लड़के का मार्केट में गाना आया है, तो बाबू आपसे भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कि आप माइंड मत करिएगा। अगर मैं ये जानता कि ये गाना मार्केट में आ गया है और मैं उस गाने को देखा होता और सुन लिया होता, तो शायद ये मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे लिस्ट में ये नहीं है कि मैं किसी का हायल हूँ। तो प्लीज़ बाबू, हमको हमसे गलती हुई है, आप माइंड मत करना, और हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और गीतकार भाई हमारे जो भी हैं, जैसे हम सबके नहीं ही बोल सकत, मैं सबको क्यों बोलूँगा भैया, लेकिन हाँ, हमारे पास जो गाना लेके अगर कोई आता है या आया है या आएगा, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग किसी भी सिंगर का गाया हुआ गाना, ठीक है, अगर आपसे मेरी बातचीत हुई, आपने बोला कि भैया मेरा लिखा हुआ है, लीक आउट हो गया, तो वो लीक आउट हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पहले बता दीजिए कि ऐसे ऐसी ऐसी बातें हैं, हो गया तो ठीक है, उसका पहले मार्केट में आ गया, तो क्यों हम उस गाने को गाएंगे। आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती ना करो यार, हर बात, हर मतलब हर दिन एक नया मुद्दा, हर दिन एक नया मुद्दा, ये क्या चल रहा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ में सुधार लाया जाए, और हमारे गीतकार जो भी हैं, क्या नाम है इनका, रिकेश पांडे जी, आपसे विनती है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस तरह का काम आप ना करिए, मेहनत करिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, आप मेहनत करेंगे, अपने माता पिता का सेवा करेंगे, तो भगवान आपको ज़रूर फल देंगे, आप ज़रूर एक दिन स्टार बनेंगे। क्या है कि अब चलो कहा बोले, मैंने इतना मेहनत किया, बहुत मेहनत की, मैं देखा गाना को गाया, कपूलत के झरना से जो स्टार्ट हुआ गाना, हाँ हाँ, आज 200 मरही गाना मैं गा चुका हूँ, हाँ, 200 के 200 हिट है। बिल्कुल 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 सही बात है, भोजपुरी मगही दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, जब इस मुकाम पे मगही पहुँच गया है कि पूरे इंटरनेशनल कहा नहीं बजता है मगही, बिल्कुल सही बात, देश विदेश हर जगह बजता है मगही गाना, हाँ, और उस गाने से आज मगही का इतना स्तर बढ़ा है, मगही भाषा को, हाँ, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का इतना स्नेह प्रेम मिला कि हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, मेहनत कर रहे हैं उसको, अभी हम फिल्म भी बना रहे हैं मगही भाषा में, मगही भाषा में फिल्म आ रहा है भैया का, फिल्म देखने के लिए क्या, जब मगही स्टैंड हो गया तो कुछ लोग आकर मुझे गाली दे, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, कुछ बोल के चला जाए, बताइए आप लोग कि माई बहन के गाली देता यूट्यूब से बर्दाश्त हुई का, नहीं नहीं गलत बात है मगही भाई है। कि मैंने तो गाना तो बहुत सारा मैं गाया हूँ, अभी गाया कोरोना लेता जनवा, इसके बारे में तुम क्यों नहीं बोलते हो, बिल्कुल सही बात, बबुआ मरल भूख से पिछले साल, नहीं नहीं वो बहुत बहुत अच्छा गाना था, 12-13 मिलियन हो चुका है, बहुत क्यों नहीं बोलते, इतना अच्छा गाना, वो गाना तो मैं दिल को छू गया था, मेरे को दिल को छू गया था भैया, सोचता हूँ भाई मुझे
क्या कहूँ मैं उन लोगों के बारे में, क्या बताइएगा। इस प्रकार के शब्दों का चयन किया है मेरे, आप लोग देखे होंगे, चाहे कोई नहीं देखे होंगे, 10 लाख से ऊपर लोग देख चुका है। तो अपना यूट्यूब चलाने के लिए, अपना फेसबुक का फॉलोअर बढ़ाने के लिए किसी को गाली दोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात है। इससे क्या हो जाएगा, तारा कहे से गुंजन सिंह के चाय वाला कम हो जाएगी? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। को दिल में रखा है लोग, बिल्कुल सही बात है, कहने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिल्कुल सही बात। जवाब दे रहे हैं लोग, हाँ दे ही रहे। कल से लगभग 500 पोस्ट हो चुका है। हाँ, 500 देख रहा हूँ मैं, मेरे पे 600 हो गया भैया, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका। हाँ आज मैं लाइव आया हूँ। अच्छा, तो उसको जवाब लोग दे रहे हैं और कमेंट्स में भी उसको हजारों गालियां लोग दे रहे हैं। हाँ ये तो देख रहे हैं, ये चीज है, ये चीज हो रहा है भैया। काम क्यों करते हो भाई, नहीं करना चाहिए उसको तो, ये मगहिया भाई को मैं बोला ये सब नहीं करने का। क्यों करते हो ऐसा काम जिससे कि अश्लीलता तो तुम फैला रहे हो बराबर। अब तुम बताओ, तुम फेसबुक पे आके हर कलाकार को गाली दे रहे हो, मुझे दिए हो, उन्हें दिए हो, बहुत सारे कलाकार के बारे में तुम वीडियो बना रहे हो, क्या जताना चाहते हो? परेशान मत करो भाई, परेशान मत करो। और क्या कहा तरह कि मगध में प्रोग्राम करे वह तब बता दे, तार गांव में प्रोग्राम करो, ठीक ना? हमारा लगा था तारा हमारा पास पहुंचे हुए ना, 2 किलोमीटर के दूरी रही, वहां पास ना पहुंच गए, ठीक ना? कोई हलवा गुंजन सिंह नहीं है तो बोल के कुछ भी चले जाओगे। मेरे चाहने वाले इतने हैं ना, मैं तो दूर हूँ भाई, मैं तो नहीं पहुँचूंगा अभी, मेरे भाई लोग इतने हैं चाहने वाले कि तुम्हें बता देंगे होगा कि क्या होता है किसी को गाली देना, किसी के माँ बहन के बारे में बोलना। गाना बजाओगे और उसमें बोलोगे किसकी बहनियाँ सुनती है, उसकी मैया सुनती है, तुम कौन होते हो, तुम क्या हो?